मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे रिलायंस जियो के बारे में। रिलायंस जियो में बहुत सारे फोन आपको मिलते हैं, तो एक फोन हमारे पास आ गया है और इस फोन का नाम है लाइफ विंड 4, जो कि अच्छी वैल्यू फॉर मनी के साथ आता है। अगर हम बात करें बाकी और फोन के अंदर, तो रिलायंस जियो में आपको बहुत सारे फोन मिलते हैं, तकरीबन 3000 रुपये में आपको फोन मिलना शुरू हो जाता है और बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो ये जो मॉडल हमारे पास है वो मॉडल इसलिए यहाँ पे है क्योंकि ये मॉडल के अंदर आपको सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी मिलती है, और क्यों मिलती है वो चीज आपको बता देते हैं। तो अगर आप 3000 रुपये वाले फोन को कंसिडर करें जो रिलायंस जियो में आपको मिलते हैं, उसमें आपको कई बार बढ़िया हार्डवेयर नहीं मिलेगा, तो किसी में अच्छा बैटरी नहीं मिलेगा, तो किसी में अच्छी डिस्प्ले नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फोन सस्ता भी है और आपको ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी भी देता है। इस फोन का नाम है लाइफ विंड 4। इसमें मिलता है आपको 5 इंच का 720p डिस्प्ले, 1GB की रैम, 8GB इंटरनल स्टोरेज, और साथ ही इस फोन में आपको 8MP का रियर कैमरा मिलता है जो कि ऑटो फोकस कैमरा है, 2MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, 720p का डिस्प्ले भी फोन में दिया गया, और साथ ही साथ ड्रैगन ट्रेल प्रोटेक्शन भी फोन में है। अगर हम बात करें साउंड के बारे में, तो इसमें आपको DTS सराउंड साउंड का सपोर्ट भी मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो फोन की बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, लुक एंड फील भी ठीक है। पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक का बैक कवर दिया गया है जिससे आपको अच्छी ग्रिप मिलती है। हालांकि रिलायंस का जो डेटा बेनिफिट इस फोन में मिलता है वो आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता है, SMS में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, और कॉलिंग भी आप इस फोन में आराम से अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन डेटा अनलिमिटेड मिलता है जो कि वॉइस ओवर LTE का सपोर्ट है इसके अंदर। तो यानी कि आपको एक अच्छी स्पीड वाला डेटा मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको आउटडोर में अच्छी स्पीड मिलेंगी, इनडोर में शायद आपको इतनी स्पीड अच्छी नहीं मिल पाए। तो अगर हम देखा जाए कि इसकी स्पीड जो नॉर्मल एवरेज आती है वो तकरीबन 5 MBPS के आसपास आपको, 5 से 4 MBPS के आसपास आपको अपलोड मिल जाएगा और 10 MBPS के आसपास आपको डाउनलोड मिल जाएगा, लेकिन ये इंडोर की स्पीड है। जबकि आउटडोर में अगर आप इस फोन को यूज करेंगे तो आपको 50 MBPS तक का अपलोड और डाउनलोड भी मिल सकता है, लेकिन स्पीड वेरी होती रहती है और ये स्पीड जो है चेंज होती रहती है। एग्जैक्टली सेम स्पीड आपको नहीं मिल पाएंगी, लेकिन काफी अच्छी स्पीड आपको मिल जाएंगी। बात करते हैं इस फोन के हार्डवेयर के बारे में, जो कि इतना इंप्रेसिव नहीं है। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 210, जो कि बहुत ज्यादा हाई एंड हार्डवेयर नहीं है, ओवरऑल ठीक ठाक है, लेकिन डे टू डे यूसेज और परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कोई भी इश्यूज फोन में नहीं आने वाला है। तो देखा जाए तो सबसे बढ़िया फोन जो कि रिलायंस जियो में आप ले सकते हैं, जिसमें आपके ज्यादा पैसे भी नहीं लगे और आपको एक डिसेंट हार्डवेयर और डिसेंट बिल्ड क्वालिटी और कैमरा भी डिसेंट मिल जाए, तो आप इस फोन को ले सकते हैं। इस फोन का एक और हाईलाइटेड फीचर जो है जिसकी वजह से आपको इस फोन को लेना चाहिए वो है 4000 mAh की बैटरी। तो यही एक फोन है जो तकरीबन 6799 में आपको मिल जाएगा, और इस फोन में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, 720p का डिस्प्ले मिलता है, कैमरा की परफॉर्मेंस बिल्कुल एवरेज ही है, रियर कैमरा भी बहुत ज्यादा खास नहीं है, फ्रंट कैमरा भी बहुत ज्यादा खास नहीं है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से आपको इसमें बड़ी बैटरी मिलती है। इस फोन के अंदर आपको HD डिस्प्ले मिलता है और साथ ही साथ ये IPS डिस्प्ले है, और बिल्ड क्वालिटी फोन की बढ़िया है, किसी भी तरह के इश्यूज आपको फोन में नहीं होने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फोन बढ़िया है, सस्ता भी है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है और बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है, और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी है बाकी और जियो फोन से कंपेयर अगर आप करेंगे तो। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप रिलायंस जियो लेने वाले हैं, लेने का सोच रहे हैं, तो आपको ये जरूर सोच लेना है कि फोन के अंदर आपको उतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन नहीं मिलेंगी, लेकिन जो फोन के अंदर आप स्पेसिफिकेशन चाहते हैं उसमें जो बेस्ट चीजें होनी चाहिए वो होनी चाहिए बड़ी डिस्प्ले, साथ ही साथ 720p डिस्प्ले होना चाहिए, और इसके अलावा बैटरी भी बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें आपको बड़ी बैटरी और हाई डेफिनेशन का 720p डिस्प्ले मिलता है, जो कि इस फोन को एक वैल्यू फॉर मनी बना देता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं जो इस फोन के बारे में है या रिलायंस जियो के बारे में है, तो उनको कमेंट सेक्शन के थ्रू नीचे आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन दबाइए जो आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।